हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट ट्राई का एक शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए मंगवाया है। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए शॉपिंग की है, समर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट फ्रॉक्स ही हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ऑल सारी फ्रॉक्स है, सिर्फ एक डंगरी है। साड़ी बहुत ही सुंदर है, मुझे काफ़ी सुंदर लगी साड़ी। क्वालिटी भी इन सबकी बहुत अच्छी है और मुझे सब बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गई हैं। सब मुझे 60% ऑफ में मिली हैं। सिर्फ ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों मुझे 40% ऑफ में मिली थी, बाकी सारी मुझे 60% ऑफ में मिली हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है उनकी क्वालिटी कैसी है। और हाँ, सारी फ्रॉक्स मुझे ऐसे जिप लॉक बैग में रिसीव हुई, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी सी पॉलीथीन की वेस्टेज है इसमें, बट ये काफ़ी हेल्प करती है यार चीज़ों को रखने में। ठीक है, चलिए मैं ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट ये येलो कलर की, इसमें स्ट्रॉबेरी बनी हुई है। बहुत सॉफ्ट सा कॉटन होजरी वाला फैब्रिक है इसमें, और ये मुझे पड़ी है 243 रुपीज़ की आफ्टर डिस्काउंट। थोड़ा प्राइस इधर उधर होगा, मैं शायद पूरी तरह सही नहीं बता रही हूँ, पर आसपास इसी के प्राइस है। इस प्राइस पे काफ़ी सुंदर से है। पीछे से पूरी बटन्स हैं और इसे डंगरी कहते हैं, जो भी कहते हैं। अब देख लीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगी क्वालिटी, बहुत सुंदर सा कलर। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, बट इतना ब्राइट नहीं है। दूसरा ये है, ये एक फ्रॉक है, ये पूरा चिकनकारी वाला फ्रॉक है। बहुत सुंदर इसका फैब्रिक लगा मुझे। ये देखिए, ये इसमें भी लाइनिंग दी हुई है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, इसमें लाइनिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट जो है, देखिए कुछ ऐसी है, प्लास्टिक है इसमें, स्ट्रेचेबल हो रहा है ये। और ये यहाँ पर भी थोड़ी सी ऐसी फैब्रिक, पर ये कुछ खींचता नहीं है, मतलब ये डोरी कुछ ऐसी है इसकी। ये देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये भी मुझे 300 समथिंग कुछ की पड़ी, 373 समथिंग की कुछ पड़ी है ये भी। पर ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि पूरे में लाइनिंग भी है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्मार्ट लग रही थी फ्रॉक। ये दोनों ही ड्रेसेस काफ़ी स्मार्ट लग रही थी मेरी बेटी के ऊपर। चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी जो है 3 साल की है, 3 साल अबव है, उसके लिए मंगाया है मैंने। और 3 to 4 ईयर्स इसमें साइज़ है। ये देखिए, नहीं सॉरी, पता नहीं कहाँ लिखा, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ये है साइज़, ये 2 to 3 ईयर्स मंगाया है, तो इसको परफेक्ट फिट है, क्योंकि काफ़ी पतली दुबली है मेरी बेटी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, येल्लो फ्रॉक है, और ये कॉटन की, प्योर कॉटन की, जो सॉफ्ट वाला कॉटन नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट वाला वो कॉटन है ये। इसमें पूरे में ऐसे फ्लावर्स बने हुए, बहुत सुंदर सा लग रहा था ये, समर वाइब्स। और एक कॉटन का इसमें लाइनिंग है, पीछे से इसमें बटन है। और मैंने सभी में साइज़ लिया है 12 to 18 मंथ, और इसको फिट है ये। सेम ये फ्रॉक है, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी। देखिए, लाइट येलो कलर में है, इससे पूरा ऐसा प्रिंट बना हुआ बहुत सुंदर सा। ये मुझे 273 रुपीज़ में मिली है, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट ये एक फ्रॉक लिया मैंने मल्टी कलर में, ये भी 215 समथिंग कुछ की है, 30 रुपीज़ के समथिंग। और ये भी कॉटन की, इसमें पीछे से कोई भी बटन्स नहीं है, पूरा ऑल ओवर ऐसा ही प्रिंट है। और इसमें हाँ, बीच में इलास्टिक भी है वेस्ट में, और इसमें भी इलास्टिक है देखिए। और ये मेरी बेटी को, जो कि 9th मंथ की होने वाली है, उसको परफेक्ट फिट है ये सब। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट ये फ्रॉक है, ये मुझे 440 रुपीज़ मिली है। इसमें यहाँ वेस्ट प्लास्टिक है, यहाँ कॉटन का होजरी का फैब्रिक है, और ये बटन से पीछे दो, और ये कुछ ऐसा सी प्रिंट्स बने इसमें। और ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है नीचे साइड, देखिए काफ़ी थिक वाला फैब्रिक है। और यहाँ होजरी है, और ये फ्रंट पे यहाँ पर टाई करने के लिए भी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे 40% डिस्काउंट मिली थी, 440 रुपीज़ की पड़ी है मुझे। और नेक्स्ट ये 373 रुपीज़ की मुझे पड़ी है। इसमें ये यहाँ पर देखिए, ये है पीछे से, ये बटन से, ये भी मेरी बेटी को परफेक्ट फिट है। दोनों ही अच्छे से फिटिंग आई है, और इसमें भी लाइनिंग है, और इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट सा कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा थिन भी है ये, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है ये। ये थोड़ा सा मतलब आउटिंग के लिए भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी दोनों मुझे। नेक्स्ट ये पिंक फ्रॉक है, ये बहुत ही सुंदर सी, बहुत क्यूट सी फ्रॉक है, बहुत अच्छी लगी मुझे। इसमें यहाँ देखिए, 2 लेयर्स हैं इसमें अंदर, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। पीछे से इसमें बटन्स भी हैं, पर यहाँ पर कोई भी इलास्टिक नहीं है, बस पीछे थोड़ी सी इलास्टिक है,
और ये मेरी बेटी को टाइट है, मुझे दो साइज अप करना पड़ेगा तभी जाके उसको परफेक्ट। सेम सिचुएशन इसमें भी है, इसमें देखिए बेल्ट भी मिला, इसको मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि इसकी बटन्स बंद ही नहीं हुई, तो मुझे ये रिटर्न करनी पड़ेगी। मुझे ये इतनी कोई ख़ास भी नहीं लगी कि मुझे इसे रखने का मन करे। एक्चुअली सेम टू सेम मेरे पास ऐसी थी मेरी बेटी के पास, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में सेम टू सेम थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सेम कॉप ऑर्डर कर दिया। हाँ, उसमें कोई लाइनिंग नहीं थी, इसमें लाइनिंग है, ये अच्छी बात है। और ये थोड़ी मुझे रीजनेबल प्राइस पर पड़ी, 273 समथिंग की पड़ी, वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, 473 वो मिनी क्लब ब्रांड से थी, और ये तो बेबी हक से है, तो ये शायद मैं रिटर्न कर दूँ, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। ये कुछ ऐसे इस पर वो है, और इसमें भी हाँ मुझे दो साइज़ अप करके ही लेने पड़ेंगे तभी ये फिट होगी, क्योंकि बटन जब बंद ही नहीं हुई तो मतलब एक साइज़ अप फिर एक और साइज़ अप, तो ये थोड़े से मुझे छोटे लगे साइज़ के हिसाब, जबकि साइज़ दोनों के सेम ही है, 12 to 18 मंथ ही हैं। तो इसको मैं एक्सचेंज करूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगी, ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ। मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ से, और मैं अपनी बेटी की फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी इसके साथ, आप ज़रूर देखिएगा कैसी लगेंगी, आपको बताइएगा आप मुझे कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।